हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। देखिए, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर पंत इन्फिनिटी के बारे में बताइए, क्योंकि स्टॉक में रफ्तार देखने को मिल रही है, और क्या ये तेज़ी जो है एक्चुअल है या फिर प्रमोटर की बजाय जो ऑपरेटर हैं वो स्टॉक को ऊपर लेके जा रहे हैं। क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग आपको पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले जो कम होते हुए नजर आई, प्लेज शेयर्स थे वो भी खत्म हो चुके हैं, क्योंकि पहले जो है प्रमोटर होल्डिंग कम थी, प्लेज शेयर्स ज़्यादा थे, और प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल लो हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में क्या एक पंथ इन्फिनिटी जो है सही है, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स हैं, क्या स्ट्रॉन्ग है कंपनी के अंदर, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आपको हमेशा देता रहूं। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं अपडेट्स के लिए। तो देखिए, अगर पंथ इन्फिनिटी की अगर मैं बात करूं तो जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है यहाँ पे, यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गई है कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग जारी है, हल्की हल्की करेक्शन है, तो मतलब प्रॉफिट बुकिंग ऑपरेटर्स कर रहे हैं। अब स्टॉक का प्राइस चल रहा है 40.75 रुपये, 1.85 रुपये की बढ़त है 4.76% के साथ में, 38.90 रुपये पे कल की क्लोजिंग थी। अब इसके फंडामेंटल्स देखेंगे कि कंपनी के पास मार्केट कैप कितना है, कितनी बुक वैल्यू पर शेयर है, तो उसके हिसाब से देखेंगे कि कंपनी क्या इस लायक है कि उसका शेयर प्राइस जो 40 रुपये होना चाहिए। तो अगर 5 दिन की बात करूँ तो 21% की रिटर्न दे दिए स्टॉक ने, 1 महीने की बात करूँ तो लगभग 18% की रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, और 6 महीने की बात करूँ तो 184% की रिटर्न यहाँ पे पंथ इन्फिनिटी की तरफ से हमें देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक पहले भी 40 रुपये पे आ चुका था, और फिर जो है 10 जून को 21.90 रुपये तक गया स्टॉक, और दोबारा से रफ्तार पकड़ते हुए स्टॉक 40.75 रुपये पे दोबारा से पहुँच गया है, और 6 महीने में लगभग 185% के पॉजिटिव रिटर्न पंथ इन्फिनिटी ने दिए हैं। अगर मैं एक साल की बात करूँ तो 307% के रिटर्न पंथ इन्फिनिटी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। अब लेकिन एक चीज़ आप लोगों के मन में आ रही होगी, सर अगर ऑपरेटर गेम खेल रहे हैं तो 307% के रिटर्न कैसे दे दिए, वो देखिए ये होता है कि स्टॉक ठीक है मैनिपुलेशन नहीं है अभी कह सकते हो आप, लेकिन जब धीरे धीरे चल रहा था तो एक उसमें विंडो ओपन थी, ठीक है, और कंपनी के फंडामेंटल्स ऐसे हैं या नहीं वो चीज़ तो मैं बताऊंगा ही आप लोगों को। अगर आज का सेलिंग प्रेशर देखूं मैं तो 1109 शेयर्स का है, और 777,402 लगभग 800,000 शेयर्स जो है बाइंग ऑर्डर में लगे हुए हैं, 550,000 शेयर से ऊपर का वॉल्यूम ट्रेड हो चुका है, यानी कि लोगों को जो है खरीदने के लिए शेयर नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ 1109 शेयर ही बेचने को निकले हुए हैं अभी सेलिंग ऑर्डर में, और 800,000 के करीब जो बाइंग ऑर्डर, यानी कि बाइंग ऑर्डर ज़्यादा है लेकिन फिर भी लोगों को सेल स्टॉक नहीं मिल रहा है, क्योंकि मिल इसलिए नहीं रहा क्योंकि क्वांटिटीज ही नहीं है किसी के पास भी, अगर सेल करेंगे तो वही क्वांटिटीज उठाई जा रही है। तो ऐसे शेयर से आपको बचना चाहिए जिसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली जारी है, और कंपनी के फंडामेंटल्स देखो तो 50 करोड़ की कंपनी है सिर्फ, जिसका प्राइस चल रहा है 40 रुपये पे, बुक वैल्यू पर शेयर 17.39 है, और TTM PE बहुत ज़्यादा बढ़ा चुका है, 1020 पॉइंट्स पे PE रेशो देखने को मिल रहा है। तो बड़ी गिरावट जो आपको पंथ इन्फिनिटी में देखने को मिल सकती है वही बम्प और डम्प की कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताता हूँ कि जब भी अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है किसी स्टॉक में भी, तो वहाँ पे एक चीज़ सावधानी की जरूर है कि वो स्टॉक जो है ऑपरेटर मैनिपुलेटेड है, और वही चीज़ आपको पंथ इन्फिनिटी में देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो खुद एनालिसिस कीजिए स्टॉक का, और अगर मैं इसके RSI लेवल की बात करूँ तो अभी ओवरबोट जोन में चला गया, थोड़ा सा ज़्यादा तो नहीं गया, ओवरबोट जोन में जस्ट गया ही है, 80 पॉइंट्स के आसपास जो है RSI लेवल जा चुका है यहाँ पे, और ग्रीन कैंडल्स के देखिए जब लोअर लगा था, जो रेड कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है तो उसके नीचे बिल्कुल ब्लैंक है, कोई भी ग्रीन रेड कैंडल आपको नहीं बार देखने को मिल रही है, और अब की बार जो ग्रीन कैंडल्स बनी हुई, पिछली बार भी ये हुआ था प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, और अब की बार भी वही सेम पैटर्न जो है प्रॉफिट बुकिंग का हमें पंथ इन्फिनिटी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म के विजन से तो बिल्कुल सही नहीं है, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ठीक है, अभी तुक्का लगने वाली बात है कि भी नीचे के प्राइस पे ले लिया था और ऑपरेटर ने ऑपरेट किया तो ठीक है ऊपर चला गया, प्रॉफिट कमा लिया, अच्छी बात है, लेकिन जब ऊपरी स्तर पर जो लोग खरीदने के लिए अभी भी रेडी हैं, 8.5 लाख शेयर्स बाइंग ऑर्डर में, तो अगर उन्होंने आज खरीद भी लिया, उनको ऑर्डर मिल भी गए, एकदम से डंप होगा स्टॉक, मान लीजिए सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा, तो सारे के सारे ऑर्डर जितने भी लगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बट लेकिन जब डंप होगा तो कितना नीचे आएगा इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अगर मैं वॉल्यूम की बात तो 6 लाख का, 9 लाख का, 8 लाख का एक अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है, और 100% डिलीवरी उठाई जा रही है। अब बात करते हैं देखिए प्रमोटर होल्डिंग की, तो देखिए मार्च 2021 में 43% थे, दिसंबर तक 43 रहे, और अब मार्च क्वार्टर के अंदर, अब आप देख लीजिए सीधा सीधा अंदाजा है कि दिसंबर के बाद जब क्वार्टर फोर के नंबर्स आए तो एकदम से 43% से 10% के आसपास जो है प्रमोटर की होल्डिंग रह गई, और 78% जो प्लेज थे शेयर्स वो एकदम से गिर के खत्म हो गए बिल्कुल। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पब्लिक की, तो पब्लिक की होल्डिंग देखिए 56% से बढ़ के एकदम से 90% हो गई है, तो यहाँ पे खुद अंदाजा लगे कि प्रमोटर स्टॉक से निकल रहे हैं, प्लेज शेयर्स थे वो खत्म हो गए, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव जो है न्यू
न्यूज़ तो नहीं है कि भी पंथ इन्वेंट्री लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न दे जाएगा। एक वही स्टॉक है कि भी आप भले ही इन्वेस्टमेंट करके जिन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग किया वो एक अलग बात है, लेकिन अभी के फिलहाल के टाइम पे एंट्री करना सही है। और कंपनी के फंडामेंटल्स भी ये इंडिकेट नहीं कर रहे, ना ही प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी अच्छी खासी है, ना ही कंपनी का कामकाज ऐसा है कि एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो है स्टॉक आपका सेफली रहे। सेफ कंडीशन में ये स्टॉक नहीं है, रिस्क वाला स्टॉक है, कंपनी का फंडामेंटल सही नहीं है बिल्कुल भी, और एक लॉन्ग टर्म का विजन तो आप बिल्कुल भी ना रखें। पंथ इन्फिनिटी के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि जब गिरावट होगी तो आपको जो है सेल करने का भी मौका नहीं मिलेगा स्टॉक में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।